और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा चुनाव पर, वो भी सुनते हैं। ईमानदारी से तपस्या कर रहे हैं और ज्यादा मैं समझता हूँ ये जो है हम इस तपस्या को करेंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुँचा सके कि आज हरियाणा में बदलाव की आवश्यकता है, हरियाणा दोबारा से खुशहाली तरक्की विकास की तरफ जाए, उसमें हमारे इलाके में बदलाव आएगा, हरियाणा में बदलाव आएगा और हमारा इलाका भी आगे बढ़े और हरियाणा भी आगे बढ़े, ये हमारा चुनाव का मेन थीम रहेगा। तो इन बातों को लेकर हम जाएंगे और इस सरकार की विफलता और ये 10 साल की सरकार की विफलता का हम क्या बताएं, ये तो सरकार वाले खुद ही मान गए जब 10 साल के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे को इन्होंने बदला है, तो यानी कि ये बात तो मान गए कि भाई कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी, 10 साल की सरकार सफल सरकार नहीं रही थी, देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, देश में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बन गया, देश में हरियाणा आज नशे में नंबर 1 बन गया, भ्रष्टाचार दोनों ने जेजेपी और बीजेपी ने डबल इंजन से लूटने का काम किया, आप ठीक हो अंकल, तो लूटने का काम किया, तो ये बात तो आई गई सामने, बीजेपी ने मान ली, बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मान ली, उनका कबूलनामा है, जो चेंज बदलाव हुआ है हरियाणा सरकार में वो बदलाव ऐसा दिखाई देता है कि उनका कबूलनामा है कि भाई हमारी सरकार विफल रही और जनता में इस सरकार के प्रति एक रोष था, एक नाराजगी थी और वो कोई किसी को अब तो चुनाव है, अब बदल के क्या करेंगे, अब तो जो बदलेगी जनता ही बदलेगी। जैसे चंडीगढ़ मेयर में सीसीटीवी कैमरा था तो ऐसे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू में कराई जाए और सीसीटीवी कैमरा का उसमें उपयोग किया जाए, ये मैं जरूर चुनाव आयोग को अपनी तरफ से मैं सुझाव और आग्रह दोनों करना चाहूँगा, कहीं इसमें पीछे वाली बात नहीं, रणनीति है।